हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है 3096 डेज, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को स्केटिंग करता हुआ देखते हैं, पर वो काफ़ी डरी हुई है। उसके साथ एक शख्स है, वो जाकर पहले लेडीज़ वॉशरूम चेक करता है कि वो खाली है या नहीं। फिर वो इशारा कर उस लड़की को भीतर जाने को कहता है और वो शख्स खुद वहीं बाहर रुक कर उसका इंतज़ार करता है। तभी एक महिला भीतर आती है। वो लड़की मौके का फ़ायदा देख उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसका नाम नताशा है और वो किडनैप्ड है, उसे उसकी मदद चाहिए। वहाँ से कहानी कुछ साल पहले पास्ट में चली जाती है। हम एक छोटी लड़की को देखते हैं, उसका नाम नताशा है, उसकी उम्र 10 साल है। वो अपने पिता के साथ एक बार में बैठी थी, पर नताशा कहती है उन्हें अब घर चलना चाहिए, क्योंकि आते वक्त उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो 8 बजे से पहले घर आ जाएगी। सुबह हम देखते हैं नताशा स्कूल के लिए तैयार हो रही है। नताशा की माँ एक शॉप चलाती है। नताशा के पेरेंट्स काफ़ी वक्त पहले ही सेपरेट हो गए थे, क्योंकि वो एक शराबी है। उसकी माँ को पता था कि कल नताशा अपने पिता के साथ बार में थी और वो नहीं चाहती थी कि वो नताशा को ऐसी जगह ले जाए। वो नताशा को वार्न करती है कि अगर वो उसे दोबारा ऐसा करते देखेगी तो नताशा दोबारा अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगी। इस पर नताशा अपने पिता की साइड लेते हुए कहती है कि कल रात वो बार में नहीं थे। इस पर उसकी माँ उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। इस पर नाराज़ होकर नताशा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, पर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता की संगत में रहकर उसकी तरह हो जाए। नताशा रास्ते में थी, तभी सड़क के पास खड़ी एक मिनी बस से एक शख्स निकलता है और नताशा को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। नताशा मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहां आसपास कोई नहीं था, पर उसे ले जाते हुए एक स्कूल की लड़की ने देख लिया था। वो शख्स उसे गाड़ी से निकालकर घर के भीतर ले जाता है। नताशा बेहोश थी। उसके घर में एक सीक्रेट बेसमेंट था, उसमें बस एक इंसान के सोने की जगह थी। वो उसे वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है। नताशा को थोड़ी देर बाद होश आता है। वो खुद को एक छोटे से रूम में पाती है। उसके सर पर चोट भी लगी थी, शायद उसने उसके सर पर किसी चीज़ से मारा था जिससे वो बेहोश हो गई थी। वो सामने एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है, पर उसका लॉक बाहर से था। वो आवाज़ देती है, पर बाहर कोई नहीं था। उस कमरे को देख लग रहा था शायद ये कमरा इसी काम को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया हो। बाहर से कोई रिस्पांस न आने पर वो थक कर वहीं बैठ जाती है। उसके पास उसका स्कूल बैग भी था। तभी दरवाज़ा खुलता है। वो शख्स अपना नाम वोल्फ गैंग बताता है। वो नताशा के लिए वही बिस्तर लगाता है। वो काफ़ी डर रही थी। वो अपने साथ प्लेट में कुछ खाने को और एक बोतल पानी लाया था। नताशा उससे कहती है कि उसे घर जाना है, पर वो शख्स उसका कोई जवाब नहीं देता और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। वो फिर से उस दरवाज़े पर ठोकती है, क्योंकि उसे इस जगह में एक घुटन हो रही थी। कमरे के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा था। वो उसकी तरफ चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी रात होते ही रूम की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। नताशा डरने लगती है, क्योंकि उसे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। आगे हम देखते हैं, आज 3 दिन बीत चुके हैं। हम उस शख्स को अपने कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। उसकी हरकतों से वो एक सनकी और कम दिमाग मालूम पड़ता है। हम उसे बेसमेंट में देखते हैं। वो नताशा के लिए बुक रीड कर रहा है। उसके बाद वो उसके कमरे में एक बल्ब लगाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर नताशा उसे गुड नाइट विश करने को कहती है, जैसा उसकी माँ उसे अक्सर विश किया करती थी। वो उसके पास आकर गुड नाइट विश करता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं नताशा के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। नताशा की माँ घर पर अपनी माँ के साथ है और वो नताशा को लेकर काफ़ी परेशान थी, पर पुलिस को नताशा का अभी तक कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। यहाँ हम उस शख्स का घर देखते हैं। कभी कभी उसकी ग्रैनी उसे विजिट किया करती थी। वो शाम अपने ग्रैनी के साथ बैठ नताशा की मिसिंग रिपोर्ट देख रहा था। उसकी ग्रैनी को भी इसकी खबर नहीं कि नताशा इसी घर में है। दूसरे दिन वो बेसमेंट में जाता है। नताशा ने अपनी माँ को एक लेटर लिखा था और वो लेटर उस शख्स को दे देती है, ताकि वो उस लेटर को उसकी माँ तक पहुँचा दे। वो कहता है कि उसके परिवार को उसकी चिंता नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने उसके पैसे की मांग पूरी नहीं की। यहाँ वो शख्स नताशा से झूठ कहता है कि उसने उसके परिवार से पैसे मांगे थे। नताशा को भी पता है उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं, और वो शख्स उस पर काफ़ी चिल्लाता है, जिससे वो रोने लगती है।
दूसरे दिन उसके घर पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, क्योंकि जिस लड़की ने नताशा को किडनैप होते हुए देखा था उसे पता था कि वो एक मिनी बस थी, इसलिए पुलिस शहर के सारे मिनी बस तलाश कर रही थी। पर उस शख्स से बातचीत कर उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वो सुबह भीतर आता है, वो उससे सवाल करती है कि उसे और कब तक यहाँ रहना होगा। वो कहता है कि जब तक उसके पेरेंट्स पैसे नहीं दे देते। नताशा के पूछने पर वो बताता है उसने लेटर उसके पेरेंट्स को भेज दिया है, पर उसने झूठ कहा था। रात वो नताशा के लेटर को फाड़ के फेंक देता है। हम देखते हैं 183 दिन बीत चुके हैं, लगभग 6 महीने। नताशा अब भी उसी बेसमेंट में रहती है। उसने रूम में एक स्पीकर फोन भी लगा दिया है, जिस पर कॉल करके वो नताशा की खबर लेता है, और वो बार बार बताता कि उसका दिया हुआ हर ऑर्डर उससे मानना होगा। शाम जब वो भीतर आता है तो नताशा बताती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। उसने अपने हाथों पर ब्रेड की क्रीम लगा ली थी। वो उसे दिखाती है कि उसे जख्म हो गया है, पर उसकी ये ट्रिक काम नहीं करती, और वो कहता है कि वो इसी तरह अपने खाने को बर्बाद करेगी तो उसे अब से खाने को नहीं दिया जाएगा। नताशा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर वो बताता है कि वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये सीक्रेट रूम उसने उसके लिए ही बनाया है, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। 4 दिन बीत गए, उसने नताशा को कुछ खाने को नहीं दिया, उसे भूख लगी थी, पर वो कहता है उसे उसके आदेश का पालन करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, वोल्फगैंग एक सनकी और पागल इंसान है। हम देखते हैं 4 साल बीत गए हैं। अब नताशा शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो कई कई दिनों तक उसे भूखा रखता था। आगे हम देखते हैं उसे 1695 दिन पूरे हो चुके हैं। वो नताशा को नहाने के लिए बेसमेंट से बाहर ले जाता है, पर वो काफ़ी सतर्क था क्योंकि वो अब भी उस पर भरोसा नहीं करता। उसके बाद वो फिर उसे बेसमेंट में भेज देता है। दूसरे दिन उसकी ग्रैनी आई थी। वो अपना काम अपने हाथों से नहीं कर पाता था, उसके घर का काफ़ी काम उसकी ग्रैनी करती थी। जाते वक्त वो उसके कपड़ों पर बाल देखती है, वो बाल नताशा के थे। उसे लगता है वो बाल उसकी गर्लफ्रेंड के हैं। ये देख वो काफ़ी डर जाता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर नताशा के सारे बाल ट्रिम कर देता है। नताशा रोती रहती है, पर वो नहीं रुकता। अब वो उसे रात के समय ऊपर अपने साथ खाने पर बुलाता था। आगे हम देखते हैं 1937 दिन बीत गए हैं। आज क्रिसमस की रात थी। वो बेसमेंट में आता है। आज क्रिसमस थी तो नताशा अपने परिवार के बारे में जानना चाहती है। इस पर वो गुस्सा हो जाता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, अब से वही उसका परिवार है। वो उसे नया नाम देता है, आज से उसका नाम विवियन है, और वो इस बात को अपने काम कॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। यहाँ नताशा की माँ अपनी माँ के साथ बैठी है। आज क्रिसमस पर वो नताशा को काफ़ी याद कर रहे थे। अब नताशा उसके बेड पर उसके साथ सोती थी। सोने से पहले वो नताशा के हाथों को अपने हाथों से टाई कर देता था, ताकि वो रात नींद में भाग न जाए। वोल्फगैंग आइस स्केटिंग करने जाया करता था। नताशा भी उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, पर वो मना कर देता है, क्योंकि अभी उसे उस पर पूरा यकीन नहीं है, और वो उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। रात वो एक क्लब में था। वहाँ से आने के बाद वो नताशा के साथ इंटीमेट होता है। अब वो हर रात नताशा का शारीरिक शोषण करता था। एक रात वो उससे बाहर गार्डन में ले जाने की ज़िद करती है। वो उसे बाहर लाता है। आज इतने सालों बाद वो बाहर आई थी। अभी भी नताशा के हाथ उससे बंधे थे। जब वो उसे लेकर वापस जाने लगता है तो वो जाने से मना करती है। आज पहली बार नताशा ने हिम्मत दिखाई थी। ये देख वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देता है, क्योंकि वो नताशा को एक गुलाम की तरह रखना चाहता था। उसका मुड़ कर जवाब देना उसे अच्छा नहीं लगा। वो नताशा से अपने लिए खाना बनवाता था और हर चीज़ में उसे डांटता था, जबकि नताशा हर काम ठीक से कर रही होती थी। वो बस ये दिखाना चाहता था कि वो नताशा से ज़्यादा होशियार है। वो हमेशा से यही चाहता था कि वो किसी पर अपना दबदबा बना सके। वहाँ प्लेट में पड़ा हुआ खाना वो उसके इजाज़त के बिना खाने लगती है। इस पर वो गुस्से में उसे काफ़ी मारता है। दूसरे दिन जब वो नताशा का बाल ट्रिम करने जाता है तो वो उसे ट्रिम करने से मना कर देती है, और वो उसके बाल ट्रिम नहीं करता। अब उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था, बस वो किसी मौके की तलाश में थी। हम देखते हैं वोल्फगैंग पहली बार उसके लिए नए कपड़े ले आया है, क्योंकि वो उसे आज पहली बार बाहर ले जा रहा है। इतने सालों बाद नताशा बाहर की दुनिया देख रही थी। वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, पर नताशा किसी से मदद नहीं मांग सकती, क्योंकि वो हर पल उस पर नज़र रखे हुए था। हम देखते हैं नताशा को लापता हुए 6 साल बीत चुके हैं।
आगे हम देखते हैं वोल्फगैंग ने अपने बेडरूम को काफ़ी सजाया है। वो कहता है आज से नताशा उसकी वाइफ है, पर नताशा के मन में कई सवाल थे। वो पूछती है उसने उसे ही क्यों किडनैप किया। यहाँ कई बातें रिवील होती हैं। यहाँ पता चलता है उसने नताशा को उसकी माँ के शॉप पर देखा था और ये काफ़ी बड़ी प्लानिंग थी। इस काम को अंजाम देने में उसे साल भर का वक्त लगा। उसने अपने घर में एक सीक्रेट बेसमेंट तैयार किया। वो अक्सर रात में काम किया करता ताकि लोगों को इसका पता ना चले। हर बार वो अलग हार्डवेयर स्टोर से सामान लेने जाता ताकि किसी को शक ना हो। नताशा को अपनी किस्मत पर काफ़ी दुख होता है। एक दिन वो इलेक्ट्रिक स्टोव पर कागज़ रख देती है जिसके जलने से पूरे बेसमेंट में धुआं धुआं हो जाता है। ये एक तरह से सुसाइड अटेम्प्ट था, पर सफोकेशन से वो स्टोव को बंद कर देती है। पर जब वोल्फगैंग कमरे में आता है तो उसे स्मोक की स्मेल आती है और उसे पता चल जाता है कि नताशा ने कुछ गलत करने की कोशिश की, इसलिए वो उसे काफ़ी मारता है। वो कहता है कि ये ज़िंदगी उसकी दी हुई है, उसकी जान लेने का हक सिर्फ उसे है। हम देखते हैं आज 2847 दिन पूरे हो चुके हैं। वो नताशा को अपने साथ स्केटिंग पर ले आया है। वहाँ काफ़ी लोग थे पर वो उसके साथ ही था। नताशा कहती है उसे वॉशरूम यूज़ करना है। वो जाकर वॉशरूम चेक करता है। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। एक महिला भीतर आती है। नताशा जब उस महिला से बताती है वो नताशा है जो कई सालों पहले किडनैप हो गई थी, पर वो महिला उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और बाहर वोल्फगैंग को पता चल जाता है कि उसने मदद मांगने की कोशिश की। वो घर ले जाकर उसे काफ़ी मारता है। हम देखते हैं आज 2908 दिन पूरे हो गए हैं और नताशा 18 साल की हो चुकी है। वो अपना बर्थडे केक काटती है। एक दिन वो उसके साथ बाहर गार्डन में काम कर रही थी, तभी उसके बगल में काम कर रही महिला उसे देख लेती है, पर नताशा उससे कुछ कह नहीं पाती। उसे घर पर काफ़ी अफसोस होता है कि उसने उस वक्त उससे कुछ कहा क्यों नहीं। एक दिन वो बताता है कि मैं अपनी वैन बेच रहा हूँ क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो उससे पहले वैन की सफाई करनी होगी। बाहर नताशा वैक्यूम से वैन की सफाई कर रही थी, तभी अचानक से वोल्फगैंग को कॉल आ जाता है और वो बात करने में व्यस्त हो जाता है। नताशा गेट की तरफ देखती है, गेट खुला हुआ था। शायद यही वो मौका था जिसकी वो तलाश में थी। वो वहाँ से चुपचाप निकलकर भागने लगती है। वो भागकर एक महिला के घर जाती है। वो महिला पुलिस को फ़ोन कर बुलाती है। यहाँ वोल्फगैंग वैन में नताशा को न पाकर काफ़ी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वो पास के रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसने नताशा से कहा था अगर वो कभी चली भी गई तो वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आएगा। यहाँ नताशा के माता पिता उससे आकर मिलते हैं। आखिरी दृश्य में हम नताशा को घर जाता हुआ देखते हैं। वो अपने बिताए हुए उन दिनों को शायद ही कभी भूल पाएगी। 8 सालों का वक्त उसने एक कैद में बिताया था, काफ़ी लंबा वक्त होता है। और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी। ये कहानी नताशा कंपुश के जीवन पर आधारित है जिसे 10 साल की उम्र में एक वोल्फगैंग नाम के शख्स ने किडनैप कर लिया था और नताशा 8 सालों तक उसकी कैद में थी। नताशा को 2 मार्च 1998 को किडनैप किया गया और 23 अगस्त 2006 को वो उसकी कैद से भागने में कामयाब हो गई। साल 2010 में नताशा ने अपने साथ हुई उस घटना पर एक किताब भी लिखी जिस किताब का नाम था 3096 डेज। ये फिल्म उसी बुक का एडाप्शन है। वहाँ से निकलने के बाद नताशा को मीडिया चैनल से इंटरव्यू के कई ऑफ़र आए, यहाँ तक कि वो इंटरव्यू के पैसे भी ऑफ़र कर रहे थे पर उसने मना कर दिया। 6 सितंबर 2006 को नताशा ने ऑस्ट्रियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORF को अपना इंटरव्यू दिया। ORF ने नताशा को कोई भी पैसे नहीं दिए, पर उन्होंने एग्री किया कि इस इंटरव्यू को वो मीडिया चैनल को सेल करेंगे और उससे 3 लाख यूरो इकट्ठा हुए। पर वो पैसे नताशा ने खुद न लेकर अफ्रीका और मेक्सिको में महिलाओं के लिए काम कर रहे NGOs को डोनेट कर दिया क्योंकि उसे पता था उसकी तरह और कई महिलाएं सफ़र कर रही हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।